राम राम बेबी सारिया, नवनीत गुरु सारी ठीक ठाक होंगी, सारी बढ़िया होंगी। काम तो निमट गया था तो मैं ऊपर जाऊँ और ऊपर के कपड़े कपड़े धोए थे, कपड़े उतार तो लिए थे, पर एक चादर हरी थी वह चादर उतार दियो, वो चादर उतार लियो बेबे। क्यों आज तो मौसम क्यों डाल सी का हो रहा है, कभी बदल से हो रहा है, आज धूप भी कौन है। तो फिर काम बन गया था, मैं कहा चलो भैया कपड़े कपड़े जितना और कर लियो, जो प्रेस के हैं वो एक साइड रख दूँगी, जो तय करने हैं उनकी एक साइड रख दूँगी। तो बेबे ये हमारी कपड़े यहाँ रख दी थी मैं, तो खिड़की खोल दूँ, तो ये हमारा ऊपर का है, खिड़की खोल दूँ मैं। चलो हो जाएगा बेबे, ये कपड़े इब जो मैंने है ना प्रेस करने हैं तो उनके तो बटन बेल कर यहाँ रख दूंगी, कुर्सी पर रख दूंगी, यही करा करा प्रेस प्रेस भी, यहाँ कपड़े प्रेस करके और तय तू करके न जिसके जाल मारी में रखने हैं वहां रख दिया करा, तो इनके बटन बटन बेल कर ना रख दूंगी न। तो लाइट आते आते प्रेस हो जाऊंगी फिर, और यह टोकरी है बेबे, इस टोकरी में ये जरा जरूर डाल दिया करा, जो एक्स्ट्रा सारी जरा है ना इस टोकरी में डाल दिया करा, पहले आई लेकर चल जा करती टोकरी ने, इसमें फिर या जरा जरूर बाकी बना रखी है, जो जरा है वो टोकरी में डाल दी, अब भाई आसानी हो जा इसमें। चढ़ जाऊँ जो प्रेस के करने के थे वो तो मैंने वहां रख दिए, कुर्सी पर रख दिए, वो आए पीछे प्रेस करूंगी और ऊपर चढ़ जाऊंगी, ऊपर चढ़ गई यार बैठ कर तय कर दूंगी। इसकी चादर यार बैठ की चादर धोई थी तो इसकी चादर तय कर दी, तो भी कल है ना हमारे यहाँ पड़ोस उस घेर में एक खंबा है बीच में ही पड़ा है, तो शाम के आठ बजे थे, तो भाई तो उड़त आवा था घेर मत आवा था, तो एक लड़का था भांजा था यहाँ का यहीं का था, तो मोटरसाइकिल लेकर आवा था, हर बेबे वो शराब शरूब पी रहा था, तो तेज मोटरसाइकिल चला रहा था, वो खंबा पड़ा है थोड़ा मतलब उन्होंने तो दिखा है साइड में पड़ा है, तो उसमें टक्कर मारी सीधी टक्कर मारी, तो उसका इतनी तो चोट लग गई और सारी मोटरसाइकिल टूट गई, मोटरसाइकिल भी बुरे खड़ी है, और वे किटू आवा था आंधे आंधे, तो इतना घबरा रहा मेरा दी, उसने किटू ने बताई थी, मैं तो घर पर ही थी, टीवी देखो थी, मैं तो सुनी नहीं, उन्होंने दूर तो बोलिया है पर टीवी की आवाज मैं नहीं सुना कुछ भी, पुलिस पुलिस भी बता रखे आई है, तो किटू ने तो मौका पता, किटू ने तो सारी कहानी देखी थी, तो वे उसका एक्सीडेंट हो गया, शराब पी रहा था, ज़्यादा बड़ा भी उम्र का नहीं था बच्चा, 17-18 साल का था, तो बेबे फिर घबरा रहा कि तू मखा बोला मम्मी यूं यूं बात बनी, मखा बेटा देख ले रहा वो लड़का, उसने सोती नहीं थी, सिर्फ एक बात कह रहा था मेरे घर वालों को ना बताइयो, क्यों फिर आड़े से तो कोई जाने भी नहीं था कि वो आड़े का भांजा था, फिर उसने बता तो दिया, मैं बोले आड़े फोन कर दियो, मैं उसका रूका दूता हूँ, तो फिर उन्होंने फोन कर दिया, फिर पुलिस आया दौरे भी फोन कर दिया, फिर उसने पूरे हॉस्पिटल में ले गई, तो ज्यादा ही चोट लगी थी उसका, और एकदम खंभे में टक्कर मारी उसने, तो बेबे ये करिए अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो बेबे, कितने जावे तो सारा आता पता, मैं तो कितने बाल चलिया जाए इसका पापा भी चलिया जा, देखो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा काम करता नहीं, और फिर भी मन तो बहुत टेंशन हो जाए कितने जाओ फोन ना फोन करे जा करो सारे लोग भाई है के सारी फोन ना फोन करे जा भाई, बस इसलिए अभी काम है कहानी में सिर्फ थोड़ी शांति सी हो जाए है, तो भाई जिस जिसके कपड़े है ना मैं वो अलग से रख दूंगी, तो ये तो प्रेस की ये थी, ये कपड़े मतलब भी हुई थी इसके, तो मैं बटन भेड़ दूंगी, तो बेबे अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो और दाब भी बहुत जरूरी है, देखो मेरा बेटा है ना मेरे अपने पापा की अपने काका की सारे की दाब मानना है, अपनी मौसी की भी दाब मानना है, लेकिन मेरी दाब नहीं मानता, मैं चलो मैं सारे दाब वाले निभा कर देखा ना, तो मेरा वाला भी होया करा है,
तो भी अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो, तो मतलब उसकी अब बात सुनकर मेरा भी साथ रख दे ही हुआ। मेरा बेटा बहुत घबरा रहा था, कहती है मम्मी ऐसा ऐसा हुआ। मैं कहा देखो बेटा साइकिल भी चलाओ तो बड़ी सावधानी से आराम से साइड में ना कि किसी को देख का बोर में आपका काट दे, आराम से चला ले बेटा, सब ना मेरा भी सब ना साइकिल मोटरसाइकिल आवा आजकल। तो भी अपने बच्चों को थोड़ा संभाल कर रखो और इस चीज से तो बहुत ही दूर रखना, इसको तो परहेज करनी है, ये भी परहेज के करने हैं। जो बाहर आने जाने के कपड़े उनका तो देखो परहेज कराया करा, अभी डेली यूज वाले का हम परहेज नहीं करा करते, डेली यूज वाले का तो यूं है तय करके ना। अभी जो पर जो जिसके जहां जहां रखने हैं उनको तय करके ना अलमारी में रख दूंगी, आड़ तय करके ले जाऊंगी, तो फिर लाइट आऊंगी जब परहेज कर दूंगी, नहीं हूँ तय ही हो जाए फिर। तो ये खंडा मंडा भी नहीं रखा करा हक भी कपड़े खंडा मंडे लो मैं। तो यूं ही दिन चला जा रहे ये कॉलेज इसका तो दो जो बाण दो बाणो है ना, जब तो सारा दिन खाली खाली पड़े रहा, कोई काम होता नहीं। अरे क्लीन तो सारा दिन कभी घर का काम हो जा है कभी घर का हो जा, सारा दिन काम हो जावे है। तो ये प्रेस किए डाल हो जाएंगे ये मतलब क्यों, बच्चे बच्चे आ रहे थे ज्यादा कपड़े थे उनकी लावर लूवर थी ज्यादा आए हो रही थी। ये यूं आपने पाछा ले ये प्रेस सबर गिर जाना है डेली यूज के, तो ये खड़े खड़े प्रेस करनी पड़ा हो बेबे तो कर दिया करे है, तभी मेहनत तो इतनी होती को नहीं। तो अलग अलग ही रख दिया करो, जिसका जित भी रखना होगा ना वो बच्चे के और इनकी दादी के तो एक अलमारी में रहा कर है। ये तीन भाई हैं, तीन भाइयों की एक अलमारी में रहा कर, और हम तीन दराणी जिठानी हाँ हमारे तीनवा के एक अलमारी में रहा कर, तो हमारे तो यहीं पर रम है और बच्चे के नीचे ले जाने पड़े। कपड़े की सारी तो यही बना जिस जिस के हैं ये बेनन सेट कर दूं, ये इसकी दादी के हैं और इसकी दादी के धर दूं, ये बेबे के हैं यहाँ बेबे के रख दूंगी, और बेबे ये मेरे हैं और ये बच्चों के हैं, बच्चों के अलग से रख दूंगी। सारे सेट हो गए कपड़े, ये जराब है जराबा का यू बांध दिया करा है भाई, जराब बांध कर ना और ये टोकरी में रख दिया करा है, ये यू बांध कर ना सारी जराब ये रख दिया करा है ना। यो की टोकी ड्रेस केस और प्रेस वाले मैंने वहां रख दिए थे, प्रेस में का फिर करूंगी, ये कोटी है या बस मैं ऐसी नहीं आ रही गाड़िया में भी चार पांच ड्रेस नहीं, नहीं तो किटू किटू की थी इतनी ड्रेस कर रहा था और सारी परेस की है।
इसको तो फिर ऐसे सेट करना पड़ेगा। ये टोकरी में डाल दूंगी और बेबे में है ना, कई दिन की सोच रही थी चूड़ियां कड़े खराब से होगी, खराब से हो जाए चूड़ी डाल दू, हमारे चूड़ी चाड़ी भी अंदर लेना था। ये तो ब्याह शादी की पहले की चूड़ी है, सोची थी सिंपल सी चार चार चूड़ी डाल ली थी। और ये कपड़े तो मैं ये रख दू यहाँ पर अलमारी में, पता नहीं पता नहीं चूड़ी पाई पता नहीं पता नहीं पाया मैं। चूड़ी मिल गई है मेरे को, ये चूड़ी मिल गई है, ये चूड़ी डालूंगी मैं, ये निकालूंगी, ये निकल गई। कोई दिन हो गए थे वो खराब से हो गया है, ये एक तो बल्कि एक का तो यू हो ही गया, ये थोड़ा भार हाथ से अपने आप पे पैर लिया करूँगा मेरा। मैं खबर हूँ बेबे जो करे खब्बा आता वो काम तो दोनों आता है तो करया करूँ हूँ, फिर ज़्यादा खब्बा आता करया करूँ हूँ, कभी ये बुकड़ मारया करूँ हूँ, खब्बा ही घूंघट निकाल लिया करूँ हूँ। ये देखो ऐसे होगी, ये तो शायद उस गिल निकलना पड़ा, निकल तो गया, इसमें फिर चूड़ी मुश्किल आएगी लगता है, क्यों खब्बड़ हूँ मजा था। चूड़ी चाड़ी तोड़ के हो जाए फिर मैं कड़े पसंद से मैं कड़े डाली रहा करो, फिर एक कड़ा हो गया फिर थोड़े खराब से भी तोड़ी हो जाए है, ये नग नाग के हो है खराब से हो गई थी, फिर मकाई की बार तो थोड़ी चार चार चूड़ियाँ डालो, ज़्यादा भी नहीं डाल लिया करो, चार चार ही डाल लिया करो। आई गई चूड़ी मेरी, ये देखो चूड़ी आ गई ना, सही चूड़ी आ गई, तो ये अंदर ही रख दूँ, इतने खराब भी ना हो रही, देखो इसमें मिली थी ये जो करे अपना एकदम कहीं प्रोग्राम प्रोग्राम हो जा तो फट दही पैर नहीं अपने कड़े पैर टुकड़ा ठाक रहा है, इसमें चूड़ी चाड़ी है, इसमें बहुत सारी चूड़ियाँ हैं, सारी चूड़ियाँ दे रही हैं और भी बहुत सारी बीबी दे रही हैं। तो बीबे फिर हो जाएगी लंबी वीडियो, और मेरी वीडियो को लाइक करियो सब्सक्राइब करियो और ढेर सारा प्यार दियो बीबे, यूँ ही साथ यूँ सपोर्ट करते रहो जिस तरह कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है और हौसला सा भी हो रहा है, कोई वीडियो बनाया ही जावा तो भाई काम का काम हो जा है और वीडियो की वीडियो बन जा है, और यूट्यूब माम डाल दिया, हाँ यूट्यूब वाला का शुक्रिया अदा करते हैं, कभी हमें ये मौका दिया, टीवी देखा करते जब जो भी सोचा करते कुकराम है तो हमें भी ये मौका मिल गया, तो भाई अबे मेरे को इजाज़त दो, बाय, अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे।